शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे जो है यहाँ पे सभी इकट्ठा हो गए। आज डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस जो है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा कि हमने मेनली टू इश्यूज के ऊपर जो है वो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमारा पहला इशू जो है वो जो हमारा इशू है वो रीइंस्टेटमेंट ऑफ जो पेंशनर्स जो हैं, जो कि रिटायर्ड लोग हैं, उनको जो रीइंस्टेटमेंट कर रही है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, हम उसके खिलाफ हैं और इस ऑर्डर को हम कंडेम करते हैं। और ये अपील करते हैं कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस ऑर्डर को रिवोक करे और इस ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस ले। हमारा दूसरा इशू जो है, आप सभी को जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे द्वारा हमारे फार्मर्स जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट की जा कर रहे थे, उनकी हत्या की गई, दैट अमाउंट्स टू किलिंग। ये आपने जो वीडियो जो वायरल हुआ है, आप में साफ देखेंगे कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक किलिंग थी। उसके बाद जब हमारे लीडर प्रियंका गांधी जब उनसे मिलने के लिए जाने लगी, उनके परिवार वालों को, उन लोगों को मिलने जाने लगी, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब मैं अपने पहले इशू पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहला इशू जो मैंने बताया कि जो री एंगेजमेंट कर रहे हैं ये पेंशनर्स को, ये सरासर हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ ये धोखा है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक तरफ जहां पे युवा जो है बेरोजगार है, जहां पे हमारा इंजीनियर जो है पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के बजाय ये लोग ऐसे लोगों को रोजगार में दे रहे हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो कि पेंशन सरकार से ले रहे हैं और उनको दोबारा से रीएंगेज कर रहे हैं। क्या ये सरकार का ये जस्टिफाइड एक्ट है? मैं सरासर इस ऑर्डर को कंडेम करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा पढ़ा लिखा यूथ, हमारा इंजीनियर तबका जो है उसको रोजगार मिले। मैं बताना चाहूंगा ये जो ऑर्डर है, ये इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में जो है एक इंजीनियरिंग विंग है, वहां पे इनको एंगेज करने के लिए लगाया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम इसी डिपार्टमेंट की बात करें तो इनके ग्राम सेवक और इनके जो है कितने ही एम्प्लॉयज कितने सालों से लगातार जो है डिपार्टमेंट की सेवा करने में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, मगर उनको ये जो है ये परमानेंट नहीं कर रहे हैं। वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो कोटों में गए, वो सेक्रेटरियट में घूमे, वो मंत्रियों के पीछे घूमे, वो एमएलए के पीछे घूमे, हर एक जगह घूम के आए, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं। आखिरकार क्या मंशा है सरकार की? क्या ये यूथ को जो है बेरोजगार देखना चाहती है? क्या भूखे मारना चाहती है यूथ को? आज का यूथ जो है वो इसी नौकरी के पीछे, उन्होंने शादियां कर ली, अपना एक फैमिली प्लानिंग की है कि सोच के कि कल को हम एक जब हमारी परमानेंट नौकरी होगी तो इसी रोजगार के पीछे बैठे थे। मगर बदकिस्मती है हम सभी लोगों की कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट रातों रात एक, मैं कहूंगा कि एक ब्यूरोक्रेटिक एक गवर्नमेंट चल रही है, अभी ब्यूरोक्रेसी जो चला गवर्नमेंट को चला रही है, और ये ब्यूरोक्रेसी का दिमाग खराब हो रखा है कि रात को ये बैठते हैं अपने दफ्तरों में और इनका जो मन आता है तो किसी पर्टिकुलर किसी लोगों को खुश करने के लिए ये ऑर्डर निकाल देते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जो कि रातों रात इस तरीके के ऑर्डर निकाल के हमारे जो है नौजवानों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही है। अब मैं अपने दूसरे इशू पे आना चाहूंगा। दूसरे इशू पे आप सभी जानते हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े एक मंत्री के बेटे ने हमारे किसान भाइयों को जो है दिन दहाड़े उनको कत्लेआम कर दिया, दिन दहाड़े उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। क्या इसलिए इन मंत्रियों को बनाया गया? क्या इसलिए इनको पावर दी गई कि क्या हमें इतना राइट भी नहीं है, हमें इतना अधिकार भी नहीं है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके? ये तानाशाह सरकार है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिन दहाड़े जो है ये अपना कोई रूल ऑफ लॉ रहा ही नहीं है, कोई कानून व्यवस्था रही नहीं है। इसका हमारा संविधानिक हक है कि हम असेंबल होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगे सरकार के सामने रख सकते हैं, मगर बदकिस्मती के साथ सरकार को यह गवारा नहीं हुआ और उन्होंने इस तरीके का जो शर्मनाक जो हरकत की है, आने वाले दिनों में जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। जनता रूल ऑफ लॉ चाहती है, डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। इस तरह की जो हालात पूरे मुल्क के अंदर बनाए हुए हैं, ये आने वाले वक्त में मैं बता देना चाहता हूं कि जनता आपको जवाब जरूर देगी और इसके बाद तो हद होगी, तानाशाही की हद होगी। उसके बाद जब हमारी नेता
श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब उनको उनके परिवारजनों को उन फार्मर्स को मिलने के लिए उत्तर प्रदेश में जब जाने लगी तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कितनी बुरी तरह से उनका जो है पुलिस वालों ने ट्रीट किया उनको, उनको मिलने नहीं जाने दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने उनको वहां पे अरेस्ट कर लिया, ना मिलने जाने दिया और उनको अरेस्ट कर लिया। हम कड़े शब्दों में सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की, और जहां जहां ये इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं और इस तरह का जो ये माहौल बनाया जा रहा है डिक्टेटरशिप वाला, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। और आने वाले वक्त में जनता आपको जवाब इस बात का जरूर देगी। गृह राज्य मंत्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है उनके बेटे को क्या गिरफ्तारी की मांग आप कर रहे हैं कि तत्काल से गिरफ्तार किया जाए? किस सॉरी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है जिनके बेटे पर एफआईआर की लगी है, क्या उनकी गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं? जी, हमारा जो है, हम पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से हमने एक प्रोटेस्ट किए हैं, धरने किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और हमने कड़े शब्दों में एक तो इनके एक्ट की निंदा की है, कंडेम की है, और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, और जब सब सामने है, जब दुनिया के सामने सारी पिक्चर क्लियर है, तो जल्द से जल्द उस मुलजिम को सलाखों के पीछे करना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो कि परिवारजनों को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामयाबी है, कहीं ना कहीं सरकार जो है शेल्टर कर रही है उस व्यक्ति को जिसने कि दिन दहाड़े जो है हमारे फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को कुचला हुआ है। अजय जी, जिस तरह से आप एक तरफ कहते हैं कि सरकार की नाकामियां हैं, सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे जो 20-25 साल से राजनीति कर रहे हैं वो भाजपा की तरह रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं, कैसे कह सकते हैं कि सरकार नाकाम है और वो लोग जो भाजपा को कोसते हैं आज वो भाजपा की तरह रुख कर रहे हैं? ये आपका बड़ा एक जनरल सवाल है, आपने अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का पूछते तो मैं जवाब देता, मगर फिर भी मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। ये एक बैंड ऑफ माइंड है, एक सोच है कि जिस तरफ इंसान की जो सोच जाएगी, जिस पार्टी से उसकी विचारधारा मिलेगी, जिस पार्टी की साथ उसके प्रिंसिपल मिलेंगे, वो वहां जा सकता है। मगर जहां तक हमारा सवाल है, हमारा काम है कि सरकार की उन सभी नीतियों को, जो सरकार जो है हमारे यूथ के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमारे फार्मर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो भेदभाव करेगी, हम कड़े शब्दों में उसकी निंदा करेंगे। हम सीधे शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि जो लोग वहां पे जा रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो डरे हुए हैं। जो लोग आज भी अपने असूलों पे कायम हैं, वो लोग जो कि आज भी अपनी बात रखने का दम रखते हैं, वो आज भी सरेआम अपनी जगह खड़े हैं और वो आज भी सरकार की गंदी नीतियों के ऊपर आवाज उठाते हैं। G23 एक ग्रुप कांग्रेस के अंदर ही बना हुआ है और वो कांग्रेस के खिलाफ बोलता हुआ दिखता है, जो भी संगठनात्मक जो कमियां हैं कांग्रेस में उसके खिलाफ बोलता हुआ दिखता है। क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस और कमजोर हो रही है? और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में आपको लगता है कि वो कांग्रेस को इस मुश्किल दौर से बाहर ला पाएंगे? अंचित जी, मैं सबसे पहली जो आपकी बात है कि G23 जो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी ग्रुप जो है नहीं है इस तरीके का। एक कांग्रेस पार्टी एक ही पार्टी है, एक ग्रुप बना हुआ है, सीनियर लीडर्स हैं उसमें। अगर कोई आवाज उठाता है, मैं बताना चाहूंगा इसमें गुलाम नबी आजाद या कपिल सिब्बल या चिदम्बरम जी, जितने भी हमारे लीडर हैं, वो बात करते हैं कांग्रेस को सुधार करने की। जैसे आपने देखा होगा गुलाम नबी श्री, कमियां कहां नहीं होती हैं? कमियां हमारे घर में हैं, कमियां हमारी सोसाइटी में हैं, कमियां हमारे राज्य में हैं, कमियां तो हर एक जगह हैं। अगर कमियों की बात अगर की जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरा ग्रुप तैयार हो चुका है। वो कमियां पार्टी में कमियां हैं, हर एक जगह कमियां हैं, हमारे परिवार में कमियां, हमारे मोहल्ले में कमियां हैं, हमारे हमारे सिस्टम में कमियां हैं। अगर किसी कमियों को अगर सुधारने की अगर कोई बात की जाती है तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है दूसरा ग्रुप तैयार हो चुका है। जिस दिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस ज्वाइन की, उस दिन उन्होंने डूबता जहाज शब्द का इस्तेमाल किया था कांग्रेस के लिए, तो क्या आप भी मानते हैं कि कांग्रेस डूबते जहाज की तरह मौजूदा समय में? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का खेल है। वहां पे कुछ वर्ड्स कहे गए तो यहाँ पे कुछ, मगर मैं बताना चाहूंगा, मैं पर्सनली जो है मैं कन्हैया कुमार जी को सुनता हूँ और कन्हैया कुमार जी की बात को मैं बहुत
गौर से सुनता हूं और मैं उनकी स्पीच को बहुत पसंद करता हूं। उसका कारण ये है कि जब भी वो बात करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो अपनी बात के साथ उस बात को जस्टिफाई करते हैं। सबसे बड़ी बात जो उनकी अच्छी लगती है हमें, और मैं बहुत खुश हूं कि कन्हैया कुमार जैसे जो लीडर हैं, जो इतने इंटेलेक्चुअल हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने कि पूरे देश में उन्होंने जगह जगह घूम के हर एक चीज को परखा, और फिर अगर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, इसके एक पीछे संकेत है, युवाओं को एक संकेत है, सभी लोगों को यह संकेत है, आओ सभी इकट्ठे मिलके एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हो जाएं, और जो ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, जो डिक्टेटरशिप सरकार चल रही है, इसके खिलाफ हम साथ में मिलके आवाज उठाएं, एक रूल ऑफ लॉ जो है वो एस्टेब्लिश करें। तो मैं कहूंगा कन्हैया कुमार जी के आने से मैं पर्सनली बताऊंगा कि मुझे बहुत खुशी है। ऐसे अगर युवा लीडर जो हम मेरे जैसे लोगों के लिए हम उसको सुनते थे, पहले भी सुनते थे हम, अगर सवाल ये है कि चाहे कोई किसी का भी किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर वो बात अच्छी करता है तो हमें उसको एंडोर्स करना चाहिए, हमें उसको बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति अच्छी बात कर रहा है। अगर कोई गलत बात करता है तो उसे गलत कहना चाहिए। ये इंसान की एक सोच है, और इस सोच को हमें अपनी जुबान से व्यक्त करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हम कोई भेड़ बकरी नहीं है कि अगर एक तरफ कोई चाल चल पड़ी, किसी ने बोल दी यहां चलो तो उस तरफ चल पड़े। हमें इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि अगर सरकारें गलत करती हैं तो सरकार के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं से भी कहीं भी आपका आना जाना है, क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सरकारें सोई रहेंगी और ये सरकारें हमें एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। जिस तरह से आपका जो पहला जो सरकार लोग ले चुके हैं उनको फिर से काम देने की बात की जा रही है, आप क्या मानते हैं कि उन लोगों को ना लगाए जो पढ़ा लिखा जो उसको काम दिया जाए? हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि सरकार को कम से कम ऐसी योजना बनानी चाहिए कि युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करे, युवाओं को नौकरी दे, ना कि आप दोबारा से उन लोगों को नौकरी दें जो कि 40-50 हजार जो है पेंशन भी ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा जो ये इन्होंने ऑर्डर निकाला है इसमें 30,000 से लेके 45,000 तक इन्होंने जो है यहाँ पे रखी है इनकी। किस विभाग का ये आदेश है? ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का ये ऑर्डर है, और जिसके खिलाफ हम ये हमारी मुहिम है, और सरकार से हम वापस लेके रहेंगे, और युवाओं के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। नरेगा के तहत जो कर्मचारी लगाए गए हैं क्या आप उनको भी रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं और नए युवाओं को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं? हम यही बात कर रहे हैं, मेरा यही यहाँ पे बात करने का यही मकसद था। एक तरफ जहाँ पे आपके पास नरेगा के जो एम्प्लॉयज हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे डेली वेजेस पे जा आपने किस तरीके से उनको मैनेज किया हुआ है, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, मगर आप उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस तरह से कदम उठा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ कहीं धोखा हो रहा है। आप उनकी सर्विसेज क्यों नहीं ले रहे? एक चीज तो यहाँ पे ये है कि आप उनको रेगुलराइज कीजिए, उनकी अगर सर्विसेज ले रहे हैं उनको आप पे दीजिए, उनको उनकी लाइफ को सिक्योर कीजिए, उनकी फैमिली को सिक्योर कीजिए। और दूसरी तरफ अगर आपको पर्टिकुलरली इंजीनियर तबका चाहिए तो हमारे पास बहुत अच्छा एक स्किल्ड जो है वो इंजीनियर तबका है, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट निकाली और इतने इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे कि अगर आप उनको रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक मैं कहूंगा एक पुण्य का काम करेंगे, आप उनको जो है सही रास्ता दिखाएंगे, सही डायरेक्शन दिखाएंगे। दविंदर राणा जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि एनसी पार्टी छोड़ सकते हैं और भाजपा का दामन थाम सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं, अभी हाल कुछ पुख्ता नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं इस पे तो आप कह रहे हैं भाजपा ने वादे पूरे नहीं किए, विकास नहीं किया, लेकिन मैं एक ही बात में इसकी बात कहूंगा, अगर ऐसा होता है, ऐसा अभी तक कोई ऑफिशियल कोई ऑर्डर नहीं आया है उनकी तरफ से, जब उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा कोई नहीं आई है, अगर किसी से कोई मुलाकात करता है या कुछ करता है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जब तक वो खुद इस चीज का क्लियर नहीं करते। मगर मैं एक ही शब्द में इसको कहूंगा कि रही होंगी कुछ मजबूरियां, जैसे कि आपने देखा कि हमारी अपनी पार्टी जब बनाई है तो वहां भी हमारे कुछ जो लोग जो हैं दूसरी पार्टी में शामिल हुए, तो उनके लिए भी यही शब्द है, रही होंगी कुछ मजबूरियां। आप ये कह रहे हैं कुछ मजबूरियां हैं जिसके कारण वो जाने जा रहे हैं कुछ मैं क्लियर शब्दों में यही कहूंगा कि कुछ रही होंगी कुछ मजबूरियां, अब वो मजबूरियां वो जाने जा
दूसरी पार्टी वाले जाने, अगर हम अगर वो भाजपा में जाते हैं तो उस पर क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? क्या आपको लगता है कि ये गलत फैसला होगा एमपी के पूरे जम्मू सूबे के प्रधान से? मैं कहूंगा कि हो सकता है कि जो लीडर जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उनके पर्सनली उनके लिए अच्छा होगा, मगर लोगों के साथ ये बहुत जो है एक मैं कहूंगा अन्याय होगा, लोगों के साथ एक धोखा होगा, जिन लोगों ने देवेंद्र रैना जी को या ऐसे लीडरों को अपना एक आइडल मान के चले, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको दिन रात एक मतलब मैं कहूंगा कि हमारे समाज में आज भी जो है लीडरों को इतनी इज्जत दी जाती है, और अगर इस तरह का कोई अगर कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा मैं कहूंगा उन लोगों के साथ ही जो है ये धोखा होगा, और मैं कड़े शब्दों में फिर इसकी जो है निंदा करूंगा कि कम से कम लोगों के साथ इस तरीके का ना कीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा जब आप लीडर बनते हैं तो लोगों ने आपके साथ काफी ज्यादा उम्मीदें आपके साथ जुड़ी होती हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं जो शायद हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सीधा जो है फलाने लीडर के पास चलते हैं, और देवेंद्र रैना जी मैं समझता हूं इसी तरह के चेहरे थे जम्मू कश्मीर में, जो कि काफी ज्यादा लोग उनको मानते थे, और मैं समझता हूं कि लोग तो उनके साथ फिलहाल जो उनको फॉलो करते हैं जो मानते हैं वो जाएंगे तो नहीं उनके साथ, मगर उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा जरूर होगा। अजय जी क्या मान के चलते हैं जिस तरह से आपने कहा कि उनका अपना प्रॉफिट हो सकता है, क्या मान के चले कोई भी राजनीतिक दल हो वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, जो उसको अपना प्रॉफिट देखता है वो जनता की परवाह नहीं करता, ऐसा आप कह रहे हैं? मैं सीधे शब्दों में यही कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके का कदम कोई उठाता है तो मैं कहता हूँ कि या तो अपने उस चीज को कोई जस्टिफाई करे, या तो जनता को सामने बताए कि वो ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, इसमें जनता के लिए क्या वो बेनिफिट दे सकते हैं, या दूसरी बात यही है कि अगर वो अपने एक्ट को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर बात वही भी आती है, रही होंगी कुछ मजबूरी। अजय सवारी आप किस तरह देखते हैं, अजय जनता की बात करेंगे अपना प्रॉफिट देखेंगे आने वाले समय में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हम जहां पे हैं हम जो हैं वकालत कर रहे हैं, हमें अपने वकालत से जो हमने चलाना है रोजी रोटी हमने वहीं से चलानी है। जैसे कि आज मैं बात करूं कि आज जिन इश्यूज पे हमने बात की, युवाओं की बात की, हमने फार्मर्स की बात की, हमने सरकार की गलत नीतियों के ऊपर बात की, तो इससे अजय सलाले को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे हमारे समाज के जो इंजीनियर तबका है, हमारे यूथ जो हैं, हमारे फार्मर्स जो हैं, जो यहाँ पे तो वैसे उस तरीके की फार्मर क्लास नहीं है, मगर जो हमारे देश के जो फार्मर्स हैं ये उनकी आवाज उठा रहे हैं, अगर इस तरह की हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हम जो है अपने संवैधानिक ढांचे से बड़ी दूर चले जाएंगे, और डिक्टेटरशिप का जो आज माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं उसको हम मजबूती देंगे, और अगर हम जैसे युवा अगर यूथ की आवाज नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं अपने साथ कहीं ना कहीं जो है वो गलत करूंगा। अजय जी बीजेपी जो कैंडिडेट थे एनसी के उनको आपने समर्थन दिया था, वो जीते भी, क्या मौजूदा समय में वो काम कर पा रहे हैं, आप संतुष्ट हैं उनके काम से? क्योंकि कांग्रेस की सपोर्ट उन्हें रही थी, तो क्या आप मालूम भी करते हैं क्या कुछ काम वो कर रहे हैं, जनता को क्या परेशानी आ रही है वो उन तक पहुंचाते हैं? आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये कि हमने अगर वोट एक साथ मांगे तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी भी कुछ हद तक, फिलहाल तो मैं कहूंगा क्योंकि मैं तो DDC नहीं हूं, आई एम नॉट एज सच आंसरेबल, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अगर हम वोट मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर लोगों के काम नहीं होते हैं तो हम उन तक जो है वो बात पहुंचाएं, और मैं इसी तरह से जहां जहां पर भी जाता हूं तो हर एक जगह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और जहां जहां भी अगर ऐसे कोई काम कोई पेंडिंग है जहां पे कोई जरूरतें हैं तो मैं लोगों की आवाज जो है DDC साहब तक पहुंचाता हूं और उनको रिमाइंडर देता हूं कि हमने ये प्रोमिसेस किए थे और वो हम पूरा करने चाहिए हमें, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक जहां से भी वो मैनेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अपने आप को भी कसूरवार ठहराऊंगा और उनके खिलाफ भी मैं आवाज उठाने के लिए आपके सामने जरूर आऊंगा। अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा जैसे आपसे, जिस तरह से आपने कहा कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, अभी मौजूदा समय में आप कांग्रेस के युवा प्रधान हैं ऐसी जिला में, अगर आपको इन फ्यूचर एक बड़ा अहदा मिलता है, आप संविधान पद मिलता है, तो हमेशा इसी तरह से जनता की आवाज उठाएंगे, अपना फायदा कतई नहीं देखेंगे? मैं साफ शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ कि हमने इस फील्ड में आए ही तभी हैं कि हम लोगों की सेवा कर सकें, लोगों की आवाज बन सकें, लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचा सकें, ताकि हम अपनी आवाज से
किसी ना किसी व्यक्ति का भला कर सके, किसी ना किसी व्यक्ति को, हमारे युवाओं के लोग, चाहे हमारे फार्मर्स हों, चाहे हमारे और तबके हों, देखो समाज में हर कोई, हर किसी की समस्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों की समस्या है, यहाँ पे अमीरों की भी समस्या है, गरीबों की भी समस्या है, मिडिल क्लास की भी समस्या है। हर समस्या का कोई ना कोई संविधान जो उसका अल्टरनेट है, जो है हमने उसका उसका जवाब जो है हमने ढूंढना है कि किस तरह से हम अमीर के अगर कोई मुद्दे हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकें, अगर गरीब के मुद्दे हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकें, अगर मिडिल क्लास है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो यही हमारा काम है कि हम आपस में बैठ के, जैसे हम यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है, हम आपस में बैठते हैं, इस तरीके से और भी यूथ बैठता है, हम बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हमारे लोकल इश्यूज काफी ज्यादा ऐसे हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, हमारे नेशनल इश्यूज काफी ज्यादा जिसमें हम बात करते हैं, इन सभी इश्यूज के ऊपर हम बात करते हैं, लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं ताकि लोगों को इस चीज के बारे में पता चल सके और लोग अपनी ओपिनियन बना सके कि क्या सरकार का जो ये कार्य है, जैसे कि आज पर्टिकुलर जिन इश्यूज पे हमने बात की, क्या ये सरकार ने जो ये कार्य किया है क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो उनके खिलाफ हमने साथ में मिलकर आवाज उठानी है ताकि सरकार को पता लग सके कि आज का युवा जो है बेवकूफ नहीं है, आज का युवा जगा हुआ युवा है और आज का युवा जानता है कि उसके साथ अगर गलत होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। क्या अजय सलालिया भविष्य में चुनाव लड़ने के भी इच्छुक हैं, चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो? अभी तक मेरा क्लियर स्टैंड है कि आज दिन तक, अभी तक मैं इलेक्शन लड़ने के किसी भी मूड में नहीं हूं, ना ही मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। फ्यूचर में क्या हालात बनते हैं, किस तरीके से समीकरण बनते हैं वो तब देखा जाएगा, मगर आज की मेरी क्लियर शब्दों में यही स्टेटमेंट है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में असेंबली के चुनाव अगर 2022 में होते हैं तो किसे आप देखते हैं, सबसे मजबूत कैंडिडेट आपके हिसाब से कौन होगा कांग्रेस का? असेंबली में इस टाइम जो सबसे मजबूत जो कैंडिडेट है हमारे, वो श्री जुगल किशोर शर्मा जी हैं हमारे असेंबली के, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने रैसी डिस्ट्रिक्ट को जो है बड़ी दूर पहुंचा दिया, आप हर एक लिहाज से देख लें, चाहे वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, मिनी सेक्टर की बात कर लें, हॉस्पिटल की बात कर लें, डिग्री कॉलेज की बात कर लें। आप अब मैं अब अपनी बात बताऊंगा, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ बात। अब मुझे भी मौका मिलता है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट असेंबली के दूर दराज एरियो में जाने का मौका मिलता है, तो मैं जहां पे भी जाता हूं तो जुगल किशोर शर्मा जी ने हर जगह कोई ना कोई अपनी निशाने छोड़ी हुई है, चाहे वो स्कूल के रूप में छोड़ी हो, चाहे स्कूल को अपग्रेड करने के रूप में छोड़ी हो, चाहे कोई डिस्पेंसरी हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉयमेंट का तरीका हो, तो कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो जुगल किशोर शर्मा जी का लोग बड़े गर्व से नाम लेते हैं और उनकी निशानियां दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि जिस पार्टी जिस लीडर के साथ हम काम कर रहे हैं तो उन्होंने जो है ऐसे काम किए हैं कि हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है। लेकिन जो प्रधान है मौजूदा समय में आपके कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट रियासी के, उन्हें बहुत से लीडर आपके जो है वो प्रधान नहीं मानते हैं, आपका इस पर क्या स्टैंड है? क्या वही आपके राजेश तलोत्रा जी ही आपके डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है या आप? हमारी पेरेंट बॉडी के मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, हमारी पेरेंट जो बॉडी है इसके वर्किंग प्रेसिडेंट इंचार्ज जो है इस टाइम राजेश तलोत्रा जी हैं, उनको वो हमारे भी प्रेसिडेंट हैं और हम उनको प्रेसिडेंट मानते हैं, और कांग्रेस का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि उनको प्रेसिडेंट नहीं मानता। हर एक जो व्यक्ति कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है वो राजेश सदोत्रा जी को इज्जत देता है, इज्जत मान देता है और राजेश सदोत्रा जी को अपना प्रधान मानता है।